अगर ये प्रदूषण केवल हमारी गाड़ियों से ही है तो ये बॉम्बे में क्यों नहीं है, कलकत्ता में क्यों नहीं है? जहाँ तक पैसे और दाम की बात आएगी, काम कर रहे हैं भाई साहब, जब इकट्ठा घर में बैठेंगे पैसा भी आएगा, घड़े में भी। अपना रोजगार बचाने के लिए अगर हम कुछ नहीं कर सकते और ट्रैफिक पुलिस को 2 मिनट में 500,000 का नोट पकड़ाते हैं, 5-5 हजार देते हैं, 94,000 का एक दिन में जुर्माना, कौन सा ट्रक वाले में इतनी हिम्मत है किसी को पूरा करने का? इनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, फिर जस्टिस बाहर निकाल दें, मंडिया बाहर ले जाए, हमारी गाड़ी दिल्ली के अंदर घुसे ना, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे और हाईकोर्ट से शुरू करना पड़ा तो हाईकोर्ट से शुरू करें। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, दिसंबर आ गया है, सर्दियां आ गई हैं, ऐसे में जो ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोग हैं, पिछले कई सालों से जैसे ही नवंबर दिसंबर आता है उनके लिए सरदर्दी बढ़ जाती है, खासकर उनके लिए जो दिल्ली या राजधानी के लिए निकलते हैं। जी हाँ, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस बात से जो ट्रांसपोर्ट जगत से कई सालों से जुड़े हैं और दिल्ली की तरफ रुक कर लेते हैं वो समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे या कुछ नए आए हैं तो उनके लिए हम बता दें कि दिल्ली में आपको पता ही है कि पोल्यूशन को लेकर, AQI को लेकर, यानी कि एयर क्वालिटी को लेकर तरह तरह की बातें चलने लगती हैं। अभी पिछले ही दिनों आपने देखा होगा, खबरों में सुना होगा कि दिल्ली में स्मॉग आ गया है, पोल्यूशन लेवल बढ़ गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी सीवियर हो गया है, और ऐसा जब भी होता है तभी एक्शन भी लिया जाता है, और एक्शन लेने में सब पिस जाते हैं, और मेनली पिसता है ट्रांसपोर्ट जगत। ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ। जी हां, 17/11/2024 को CAQM की तरफ से, यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से एक ऑर्डर पास कर दिया गया। ये कहा गया कि अब दिल्ली में सीवियर लेवल पर एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है, इसलिए सभी तरह के ट्रक बैन कर दिए जाएं, ग्रेप 4 लागू कर दिया जाए। अब ये ग्रैप क्या है वो भी आपको बता देते हैं। ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। अब ये क्या होता है ये आपको समझा देते हैं। जब भी ये लागू किया जाता है, इसके तहत जब एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी सीवियर हो जाता है, खासकर तब ये लागू होता है, और तब तमाम तरह की वो चीजें, वो तत्व जो पोल्यूशन फैलाते हैं, एयर क्वालिटी को पुअर बनाते हैं, उनकी आवाजाही, चाहे वो ट्रक की हो चाहे कंस्ट्रक्शन हो, उनको रोक दिया जाता है। इसी तरह का एक्शन लिया गया CAQM के द्वारा 17/11/2024 को, जिसमें उन्होंने क्या क्या एक्शन लिए आपको बताते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली NCR में इस एक्शन प्लान के तहत क्या किया गया। इसमें लिखा गया है कि स्टॉप एंट्री ऑफ ट्रक ट्रैफिक इनटू दिल्ली एक्सेप्ट फॉर ट्रक्स कैरिंग एसेंशियल कमोडिटीज प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज, यानी कि हर तरह के ट्रक को रोक दिया जाए सिर्फ उनके अलावा जो एसेंशियल कमोडिटीज लेकर चल रहे हैं, चाहे वो LNG हो, CNG हो, इलेक्ट्रिक BS6 डीजल ट्रक्स हो, किसी भी तरह के ट्रक हो, उनको रोक दिया गया दिल्ली में एंट्री लेने के लिए, ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार आए। इसी के साथ साथ आगे लिखा है कि डू नॉट परमिट LCVs रजिस्टर्ड आउटसाइड दिल्ली अदर देन EVs, CNG, BS6 डीजल टू एंटर दिल्ली एक्सेप्ट दोज कैरिंग एसेंशियल कमोडिटीज प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज। यानी कि इसका मतलब यह है कि किसी भी तरह की LCV को जो दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड है उनको दिल्ली में एंट्री ना दी जाए। किस किस को छूट है? EV, CNG, BS6 डीजल, इन्हीं को दिल्ली में एंट्री करने देनी है, और इसके अलावा जो भी एसेंशियल कमोडिटीज लेकर आ रहा है उसको छूट है। इसी के साथ साथ स्ट्रिक्ट बैन कर दिया जाएगा दिल्ली में एंट्री को रजिस्टर्ड BS4 एंड बिलो डीजल ऑपरेटेड मीडियम गुड्स व्हीकल्स एंड हैवी गुड व्हीकल्स इन दिल्ली एक्सेप्ट दोज कैरिंग एसेंशियल कमोडिटीज प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज। यानी इसके तहत कोई भी MGV है या HGV है उसको भी रोक दिया गया दिल्ली में एंट्री करने के लिए, बजाय कि वो एसेंशियल कमोडिटीज लेकर आ रहा हो। अब जब ये हुआ तो तमाम तरह के ट्रांसपोर्टर्स, ड्राइवर्स
और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एक्टिव हो गई, खासकर एएमटीसी और जो बड़े बड़े नाम आप ले सकते हैं एटवा या डीसीबीए, और अमरीक सिंह ट्रक्का वालों ने भी अपनी आवाज उठाई और उन्होंने ही हमें ये सारी वीडियोस भी प्रोवाइड की हैं जो एक मीटिंग के दौरान ली गई, जिसमें सभी तरह के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बड़े बड़े जिम्मेदार लोग सामने आए हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है। दिल्ली के एक होटल में ये मीटिंग बुलाई गई। जी हाँ, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की तरफ से इस मीटिंग को कन्वीन किया गया और होस्ट किया गया दिल्ली कॉन्ट्रैक्ट बस एसोसिएशन के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन में तमाम तरह के बड़े बड़े दिग्गज लोग जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो एआईएमटीसी हो, चाहे वो डीबीसीए हो, चाहे वो एटवा हो, सभी वहां पर पूर्व प्रेसिडेंट और मौजूदा प्रेसिडेंट मौजूद हैं, जिनमें सब ने अपनी बात रखी। क्या क्या बात रखी वो भी बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने पॉलिसी करवा ली पर क्लेम के वक्त आ रही हैं दिक्कतें, कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी, तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 9831 9831 पर। जी हाँ, तो अब रुख करते हैं उन बातों की ओर जो कि अहम मुद्दा बनकर सामने आई है। डॉक्टर हरीश सबरवाल, जिसे ट्रांसपोर्ट जगत में कौन नहीं जानता, उन्होंने भी सरकार के सामने अपनी बातें रखी इस मीटिंग में इन बातों के, इन तथ्यों के द्वारा। उनका कहना है कि दिल्ली में ट्रक बैन कर दिए गए, ठीक है, लेकिन मुंबई में ट्रक बैन क्यों नहीं किए गए, या इस तरह के ट्रांसपोर्ट जगत के बैन क्यों नहीं लगाए जाते, गाड़ियों के बैन क्यों नहीं लगाए जाते, वहां पर भी तो दिल्ली से ज्यादा गाड़ियां चलती हैं, वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ दिल्ली में ही क्यों। यही नहीं, इसके अलावा उन्होंने बहुत सी बातें कही। क्या क्या बातें यहाँ पर रखी उन्होंने, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। हमें कोर्ट को और सिस्टम को या गवर्नमेंट को ये समझाना है किसी भी तरीके से कि अगर सिर्फ ये वेहिकुलर पोल्यूशन है, अगर ये पोल्यूशन केवल हमारी गाड़ियों से ही है, तो ये बॉम्बे में क्यों नहीं है, कलकत्ता में क्यों नहीं है, जहां हमसे ज्यादा गाड़ी। बॉम्बे ने इंडस्ट्री को बाहर निकाल दिया, क्यों नहीं मानती दिल्ली गवर्नमेंट की अपनी वोटों की खातिर वो इंडस्ट्री को बाहर नहीं निकाल। पराली को ये नहीं गिनते वेहिकुलर पोल्यूशन को कितना, अभी जब ट्रक बंद हुए ये तो मौसम की वजह से ये क्यों नीचे आया है, तो ट्रक जब बंद रहे पहले 18 तारीख से लेकर 10 तक 28 तारीख तक 10 दिन कौन सा पोल्यूशन नीचे आया, जब हमारे ट्रक चलने और बंद करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो हमारे रोजगार पे हमेशा अटैक प्रहार क्यों। हमें केवल ये समझाना है कि व्हीकल पोल्यूशन उस मात्रा में नहीं है जिस मात्रा में इस पे गाज गिराई जा रही है, जिस मात्रा में इसके ऊपर प्रहार किया जा रहा है, जिस मात्रा में हमारे ट्रांसपोर्टरों को एक बिजनेस से हटा के कोने में धकेला था। हम सिर्फ कल का दिन वाच कर रहे हैं, प्रदीप जी आपसे पहले भी बात हुई, आप में बहुत लोग बैठे हैं जिनसे बात चल रही है, अगली डेट से पहले अगर हमें लगता है कल कोर्ट का कोई व्यू रिलैक्स वाला नहीं है तो हमें वार फुटिंग पे जाके इस केस को लाना पड़ेगा और हमें उसमें सीनियर वकील ही खड़े करने पड़ेंगे, और सीनियर वकील खड़े करने की व्यवस्था करने वाले लोग आपके बीच बैठे, अपना अपना ऑफिस यूज करें और सीनियर वकील खड़े हो सकते हैं। जहां तक पैसे और दाम की बात आएगी, ट्रांसपोर्टर हैं भाई साहब, जब इकट्ठा करने में आएंगे तो जब 98 में 2000 में इकट्ठा कर लिया था तो इस बार भी होगा। अपना रोजगार बचाने के लिए अगर हम कुछ नहीं कर सकते और ट्रैफिक पुलिस को 2 मिनट में 500,000 का नोट पकड़ाते हैं, 5,000 देते हैं, तो फिर हमारे को संस्थाओं को चलाने का कोई राइट नहीं है। पैसा भी आएगा, लड़ेंगे भी, और ईमानदारी से पूरा प्रयास करके इस लड़ाई को अगर आप लोग सब सपोर्ट दोगे तो जीतेंगे भी। सुना आपने, इन्होंने कहा कि दिक्कत कोई नहीं है, अगर अपनी आवाज रखने के लिए पैसा लगा और पैसा लगाने की बात आई तो ट्रांसपोर्टर्स के पास बहुत पैसा है, ऐसा इन्होंने कहा। पहले भी ऐसा कुछ कर चुके हैं जहां पर पैसा इकट्ठा करके कहीं ना कहीं इनको वकील करना पड़ा हो या अपनी जो भी लड़ाई इन्होंने कानूनी लड़ी हो वो लड़ चुके हैं, तो इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा, ये अल्टीमेटम दिया गया। फिर आए जसपाल सिंह, जी हाँ, वो भी एएमटीसी के हैं, उन्होंने भी अपनी बातें रखी। उन्होंने सबसे मुख्य बात जो रखी वो सुनने लायक है, काबिले गौर है कि भाई जब सरकार ने BS6 या Euro 6 गाड़ियां अलाउड की हैं और कहा है कि ये पोल्यूशन फ्री है, तो फिर पोल्यूशन वाला टैक्स क्यों लिया जाता है, ग्रीन टैक्स क्यों लिया जाता है, ये सवाल इन्होंने उठाए। देखिए किस अंदाज में इन्होंने अपनी बातें रखी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही है कि आज की डेट में इन्होंने Euro 6 गाड़ी को अलाउड किया हुआ है, पर Euro 6 से टोल टैक्स के नाम से लूट आज भी चालू है सरकार की। अगर वो गाड़ियां पोल्यूशन नहीं करती, उनको क्या अधिकार है उससे वो पैसे लेने का जो दिल्ली के एंटी टैक्स के नाम पे ले रहे हैं। तो मेरी ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी हम बातें करें तो इस बात को जरूर ऐड करें कि अगर 06 पोल्यूशन दे ही नहीं रही है
तो फिर उन्होंने उनसे वो पैसा क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि ये जो चीजें हैं, जो लड़ाई है हमारी, वो सरकार, क्योंकि जब से ये प्रॉब्लम चल रही है, ऑल इंडिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में जाना तो आप सबको मालूम है आज के डेट में क्या हाल चल रहा है, फिर भी हरीश जी की बात में बड़ा दम है। जब रोजी पे बात आएगी तो सब कुछ होगा, पैसे भी इकट्ठे होंगे, वकील साहब भी लाए जाएंगे और लड़ाई भी लड़ी जाएगी। लेकिन उसके लिए जरूरत है हमारे को अपना संगठन करना। जैसे हरीश जी ने भी एक बात कही, मेरी गाड़ी का जिस दिन पहले दिन का ये प्रॉब्लम आई, दो गाड़ियां दिल्ली खाली होके आ रही थी, दिल्ली एंटर हो चुकी है, खाली हुई है, खाली से पंजाबी में वापिस आ रही थी। 94,000 रुपए का जुर्माना हुआ दो गाड़ियों का, एक 42,000 रुपए का, एक 52,000 रुपए का। 94,000 का एक दिन में जुर्माना, कौन सा ट्रक वाले में इतनी हिम्मत है कि उसको वो पूरा कर लेगा? इस वजह से सबसे बात ज्यादा जरूरी है संगठन, इकट्ठा होना, इसके लिए जो बन पड़े उसके लिए करना। लड़ाई तो देखो जी, इस टाइम कानून नहीं लड़नी पड़ेगी, चाहे हम कल लड़ लें चाहे इसके बाद रखें, लेकिन हमें एक बात तो मन के लिए करनी पड़ेगी। अगर 94,000 रुपए हम जुर्माना भर सकते हैं, तो अगर एक आदमी 10-15-20,000 रुपए देना भी पड़े तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लड़ाई रोजी की है, अगर ट्रक है तो हम है, अगर ट्रक ही नहीं है तो हम भी कहां है। ये सब बातें उठाई, इसमें इन्होंने एक और अहम बात उठाई कि चालान हो जाते हैं तो 94,000 रुपए इसी तरह हम भर देते हैं, तो क्यों ना अपने हक के लिए अगर 10-15,000 लग के कोई कार्रवाई करवानी हो, आगे आना हो, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बहुत पैसा इकट्ठा हो सकता है और उस पैसे के बल पर लड़ाई लड़ी जा सकती है। एक तरह से ये भी अल्टीमेटम देकर चले गए कि हाँ, अब लड़ाई अगर लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे, चाहे पैसा लगे, चाहे हमारी मेहनत लगे, चाहे हमारा टाइम लगे। अब इसी तरह का कुछ अल्टीमेटम कुलतरण सिंह अठवाल ने भी दिया। उनका कहना है कि ग्रीन टैक्स क्यों लगाया जाता है, इतने इतने ग्रीन टैक्स लगाकर पैसे वसूल लिए जा रहे हैं, गाड़ियां पिछले कई दिनों से खड़ी हैं, ट्रांसपोर्ट जगत हिल गया है, पार्किंग के पैसे लग रहे हैं, इकोनॉमी डाउन हो रही है, बहुत कुछ उन्होंने कुछ वहां पर कहा। और क्या क्या खास बातें उन्होंने की, और एक वीडियो उन्होंने भेजी जिसमें उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि अगर समय पर हमारी बात नहीं सुनी गई फिर वो क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में सुनिए। पिछले लगभग 15 दिन से हमारे सभी ट्रांसपोर्टर भाइयों की गाड़ियां दिल्ली की बॉर्डरों पे खड़ी हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान हमारा रोज हो रहा है, लेकिन सरकार को इस चीज की कोई परवाह नहीं है। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है कि यूरो 4 गाड़ियां बाहर खड़ी रहेंगी, दिल्ली में एंटर नहीं कर पाएंगी, इसलिए आज हमने नई दिल्ली में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की अध्यक्षता में दिल्ली के लगभग सभी ट्रांसपोर्ट यूनियन की आज मीटिंग रखी, और जिसमें ये फैसला लिया गया है कि जो कल सुप्रीम कोर्ट में हमारी डेट है, हियरिंग है, उसमें हम कुछ अपने वकील भेजें, और अगर ये फैसला हमारे खिलाफ जाता है, आगे इसी तरह से चलता रहेगा, तो जल्द ही हम बहुत बड़ा निर्णय लेंगे। फिर हम एसेंशियल कमोडिटीज की गाड़ियां भी अपनी दिल्ली में नहीं लाएंगे और पूर्णतः बंद करने के ऊपर विचार करेंगे। कुलतरण सिंह अठवाल, फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। सुन लिया, इनका कहना है कि भैया अगर ऐसा कुछ हुआ कि ट्रांसपोर्ट जगत पर और आंच आई और इनके हक में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं लिया, तो ये एसेंशियल कमोडिटीज को भी बंद कर देंगे, यानी सब एकजुट हो जाएंगे, दिल्ली के अनाज मंडियों में कोई भी एसेंशियल कमोडिटीज नहीं पहुंचेगी, दिल्ली में कोई भी एसेंशियल जरूरी सामान नहीं पहुंचेगा। जब वो नहीं पहुंचेगा तो खुद ही सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो इन्होंने ये अल्टीमेटम अपना पहुंचा दिया था। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर को एक फैसला सुनाया। अब इस फैसले में उन्होंने सभी तथ्यों को सामने रखा और ये बात भी सामने रखी कि पिछले कुछ दिनों में अब AQI लेवल थोड़ा सा डाउन हुआ है, यानी कि सुधरा है, सुधार आया है उसकी क्वालिटी में। कहां 400-450 पहुंच गया था जो कि सिवियरिटी लेवल है, तो कहां 200 के आसपास आ गया। इस वजह से अब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है और निर्देश दिए हैं कि अब GRAP 2 लागू किया जाए, GRAP 4, GRAP 3 को हटा दिया जाए। अगर जरूरत पड़ी फिर से AQI लेवल बढ़ गया, फिर आपको निर्देश है कि फिर से ग्रैप 4 लागू कर दिया जाए, यानी कि CAQM को ये अधिकार मिल गया कि वो सभी तरह के ग्रैप लगा सकते हैं, लेकिन एयर क्वालिटी की स्थिति को देखते हुए, उसका जायजा लेते हुए। ये आदेश भी आ गए हैं और ये आदेश सुबह 8 बजे से लागू भी हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ जाने के बाद AMTC के जो लोग थे, कुलतरण सिंह अठवाल और अन्य साथी, ये सभी एक साथ आए
और इन्होंने भी अपनी कुछ बात कही है इस फैसले के आ जाने के बाद। सभी ट्रांसपोर्टरों को सूचित किया जाता है, जो हमारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी थी वो आज हटा ली है। ये सभी आपकी बदौलत हुआ है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कल जो मीटिंग की थी, उन्होंने अपने आज लॉयर भी कोर्ट में भेजे, जिससे ये फायदा हुआ कि हमारी सुनी गई है। मैं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और तमाम एसोसिएशन जिन्होंने कल हमारी मीटिंग अटेंड की थी, लगभग दिल्ली की 13 एसोसिएशन ने अटेंड की थी, सभी का धन्यवाद करता हूँ। सभी के एफर्ट से ये काम हुआ है। आज से आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं। जो हमारा करोड़ों का नुकसान हो रहा था वो अब बच सकेगा और आगे भी हम इसी तरह लड़ते रहेंगे। तो कुल मिलाकर काफी जद्दोजहद हुई। AIMTC और तमाम तरह के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बड़े बड़े जिम्मेदार लोग आगे आए, मेहनत की, अपनी आवाज रखी और बेटरमेंट हुई एयर क्वालिटी में, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है और अब ग्रैब 3 और 4 हटा लिए गए हैं। अब ग्रैब 2 लागू है, जिसके तहत बहुत सी चीजों में छूट मिल जाएगी, जो कि सख्ती बरती गई पिछले दिनों 17 नवंबर से, उनमें अब ढील हो जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद और इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Facebook और Twitter पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट TV देखने के लिए धन्यवाद।